हाँ हाँ मुझे पता है, अब आप लोग बोलोगे कि ये चड्डी ये बनियान अभी सो के उठाए क्या? ये कपड़े तो मैंने इसलिए पहने ताकि मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर सकूँ। मैंने बहुत सारी एक्टिविटी शुरू कर दी है। अब मुझे कहीं पर जाना है तो मैं कार से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपनी साइकिल से। इससे हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। बहुत सारे सवाल आ रहे ना दिमाग में, ये अचानक से मुझे क्या भूत चढ़ गया। शिनचैन चौप मुझे कितना चिढ़ाते हैं, मोटा मोटा आलसी आलसी। और हाँ, मुझसे कोई लड़की भी नहीं पट रही थी तो मैंने सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब गाइज मैं पूरी तरीके से चेंज होना चाहता हूँ, एकदम फिट। फिर मैं देखता हूँ कोई मुझे कैसे चिढ़ाता है। वैसे गाइस सच्ची बताऊं तो बहुत दिनों बाद साइकिल चला रहा हूँ, हालत खराब हो गई है, पर हमें जहाँ पर पहुँचना था हम लोग पहुँच गए। तो गाइस आपको वो लड़का दिखाई दे रहा है, वो है हमारा ट्रेनर, और ये 2-3 दिन से मुझे है ना पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग करवा रहे ताकि मैं सारी एक्टिविटी अच्छे से कर सकूं। तो सर मुझे आज क्या करना होगा, ट्रेनिंग शुरू करें या उससे पहले कोई वार्म अप वगैरह? नहीं नहीं, बहुत दिन हो गया तुम्हें सिखाए, अब जो करना है तुम्हें खुद ही करना है। ऊपर जाओ और जाकर जंप लगाओ। अरे ये क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या? मैं अकेले कैसे जंप लगाऊं? हर बार तो आप मेरे साथ कूद के मुझे बताते थे कि ऐसा करना और वैसा करना है। हाँ तो मैंने तुम्हें बहुत बता दिया, जब तक अकेले नहीं जाओगे तुम्हारा डर तुम्हारे मन से नहीं निकलेगा, समझे कि नहीं मेरी बात? अरे यार ये तो टेंशन में डाल दिया इन्होंने मुझे। चलो गाइस जब सर ने बोल ही दिया तो जाना तो पड़ेगा ही, तो सबसे पहले जाएंगे इस हेलीकॉप्टर के अंदर। ओहो भाई साहब, जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है ना मेरी धक धक तेज हो रही है, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। गाइस आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट करके बताओ, और जंप करने से पहले प्लीज लाइक कर दो। गाइस यार जरा नीचे देखो तो सही, 1 2 और 3 ये मैं चला। अबे कहां से खींचू इसको? ओ चलो फाइनली पैराशूट खुला, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो गाइज अगर हम लोग पैर थोड़े ऊपर करेंगे तो हम लोग थोड़े स्लो हो जाएंगे, और अगर मैं नीचे की तरफ झुका ना तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। फिलहाल तो अपने को एक स्पॉट ढूंढना है और वहां पर लैंडिंग करनी है, तभी सर हमें पास करेंगे। ओ नहीं 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 नहीं, मैं किस तरफ जा रहा हूँ? अबे आगे तो ट्रेन है। बच गए गाइज, यार बच गए। बहुत बुरी तरीके से डर गया था मैं। अब किसी और जगह को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ लैंड करवाऊ कहाँ लैंड करवाऊ। गाइस यार वहाँ पानी के बीच में छोटे आइलैंड जैसी कोई तो चीज है, हम लोग वहाँ पर लैंड हो सकते हैं, पर इस बार बिल्कुल सही तरीके से करना होगा। ये मैंने स्पीड को स्लो किया, इससे मैं ज्यादा देर तक हवा में रहूंगा। अबे नहीं नहीं नहीं, शिट यार मैं थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गया। ओ गए 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 सीधा पानी के अंदर। अबे यार ये क्या मुसीबत में फंस गए अपन, यहाँ तो कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। गाइस हमें जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा। ओ भाई साहब यहाँ तो अंधेरा बढ़ते ही जा रहा है, मुझे लगता है मैं थोड़ी स्पीड में नीचे गिरा हूँ इसलिए कुछ ज्यादा ही नीचे पहुंच गया। जल्दी जल्दी ऊपर जाने की ट्राई करते भाई। ओ गाइस आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी वेल थी, इससे पहले ये मेरे को खा जाए मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचना होगा। चलो पहुंच गए, फटाफट किनारे पर पहुंचते वो अपना पीछा कर रही होगी, अभी तक पीछे दिखाई तो नहीं दे रही है, पर उसका कोई भरोसा नहीं, नीचे से आ गई तो। जल्दी जल्दी इसके ऊपर चढ़ता हूँ, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया भाई साहब। चलो गाइस फाइनली बच गए हम लोग। वैसे वो वेल कहाँ पर गई? चलो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो बच गए ना। बस एक सवाल मन में दौड़ रहा है, हम लोग वापस कैसे जाएंगे? यहाँ पक्का कोई ना कोई होगा जो मेरी हेल्प कर दे। कोई है यहाँ पर, मुझे मदद की जरूरत है। ओहो गाइस यहाँ पर एक बोट है, इसका मतलब पक्का यहाँ पर कोई होगा, अगर ये अपने को मिल जाए ना तो अपना बन जाएगा। जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं, कोई तो होगा पक्का होगा। वहाँ पर एक छोटा सा घर है, यहाँ पर बस एक ही घर है। हेलो कोई है अंदर? प्लीज बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हेलो गाइस यहाँ पर आग भी जल रही है, अब तो पक्का हो गया कि यहाँ पर कोई तो है, क्या आप थोड़ी देर बाहर आएंगे? अरे यार ये कौन है जो सुबह सुबह आके नींद खराब कर रहा है? ये लड़के तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें मुझसे क्या काम है, कब से क्यों बुला रहे हो? अरे यार मेरी बात सुनो ना, मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था और यहाँ पर आके फंस गया हूँ, मुझे आपके मदद की जरूरत है। आपके पास वहाँ पर एक बोट पड़ी है ना, क्या आप मुझे वो दे सकते हो? मैं आपको आके लौटा दूंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी बोट है, अगर मुझे कहीं पर जाना हुआ तो मैं कैसे जाऊंगा? अरे यार देखो ना प्लीज दे दो ना। अच्छा ठीक है चलो, तुम इतने जिद कर रहे हो तो 1,00,000 दो और वो बोट लेके जाओ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सड़ी हुई बोट का 1,00,000 रुपया? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर तुम्हें चाहिए तो 1,00,000 रुपया दे दो, वरना फिर जाओ यहाँ से तैर के। अरे यार गाइज ये क्या मुसीबत है। गाइज यार कहाँ फंस गए, अब जरूरत तो है लेनी तो पड़ेगी। अच्छा ठीक है आ जाओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें एक बोट देता हूँ, पर पहले मुझे पैसे भेज दो। अरे यार पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए। वाह तुम तो बहुत ही फास्ट हो, यहाँ पर आओ ये देखो ये रही एक बोट, वैसे तो ये एक जेट स्की है, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ओ वाह भाई मुझे तो लगा था वो खटारा बोट, चलो ये तो और भी अच्छा है, हम लोग थोड़ी स्पीड में पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी जाके बैठते गाइस, अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। पहले तो थोड़ी पीछे लेता हूँ, अभी अपन अपने घर पर पहुंच जाएंगे।
चाहिए। पहले तो मुझे कोई ड्राई लैंड ढूंढना पड़ेगा, किनारे पर पहुंच के ही पता चलेगा कि मैं कहां पर आ गया हूं। गाइस गाइस वो रहा किनारा। और एक मिनट, यहां पर कुछ तो चल रहा है पक्का, जल्दी से जाके चेक कर लेते हैं। पहले तो इस बोट को रोकूं, सॉरी जेट स्की को। चलो फाइनली रुक गई। यहाँ तो कोई पार्टी वार्टी चल रही है क्या भाई, जरा आगे जाके देखते तो है। नहीं यार यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही, किसी चीज की अनाउंसमेंट हो रही है। यहाँ पर एक रेस होने वाली है जेट स्की से, जिस जिसको पार्ट लेना है जल्दी से नाम लिखवा दो, क्योंकि कुछ ही देर में वो सब शुरू हो जाएगा और जीतने वाले को मिलेगी ये सबमरीन जो कि बहुत ही महंगी है। गाइस यार जरा इस सबमरीन को तो देखो, कितनी प्यारी लग रही है ये। अरे भैया मेरी बात सुनो, मुझे भी पार्ट लेना है, जल्दी से मेरा नाम लिख दो प्लीज। अच्छा अच्छा तुम भी पार्ट लोगे, अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम बोलो। फ्रैंकलिन। ठीक है तुम आगे जा सकते हो। गाइस कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली है तो अब जल्दी जल्दी जाते हैं। देखो रेस वहाँ पर होने वाली है तो उतना तो अपन तैर के जा ही सकते हैं। फटाफट तैरते भाई, एक तो वैसे आज हालत पतली हो रखी है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। ये रही अपनी जेट स्की, अब इसके ऊपर बैठता हूँ। ये अपनी है ना या मैंने किसी और की ले ली है और किसी और ने मेरी? क्या ही फर्क पड़ता है, जेट स्की है ना यही बहुत है। तो गाइस रेस शुरू होने वाली है, दिल थाम के बैठो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये रेस शुरू हो गई, जल्दी जल्दी भगाता हूँ भाई। मुझे तो लगा था एक दो जन होंगे, यहाँ पर तो पूरी पलटन है। ओहो ओहो हो हो, इन लहरों को भी अभी आना था। चलो यहाँ पर पहला चेक पॉइंट है। अबे यार हम लोग तो पीछे होते ही जा रहे हैं यार, ऐसा नहीं हो सकता, एक दो को टक्कर मारते क्या? थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है तुम्हारी, तो ऐसी की तैसी, हटो यहाँ से। गाइस यार एक तो गिर गया, सॉरी भाई पर मेरी मजबूरी थी। अभी भी मुझसे आगे बहुत सारे जन है, जल्दी जल्दी इनको पीछे करना होगा। चलो अब बस दो जन अपने से आगे, गाइस फटाफट चलते, ये वाला चेक पॉइंट भी गया। अबे यार वो लोग कुछ ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, इनकी तो मैं। गाइस अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, फटाफट बढ़ाते हैं। पर यार ये लहरें इतनी ज्यादा ऊंची ऊंची है ना, मुझे डर लग रहा है कि मैं उछल के गिर ना जाऊं। कोई नहीं फ्रैंकलिन तू कर सकता है, हमें बस पूरी तरीके से ध्यान लगाना है। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी भी दो जन ही आगे बस, और किसी को आगे निकलने नहीं दूंगा, और इन दोनों को भी पीछे करना है। यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट है, ये भी गया। चलो 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 चलो, ये वाला भी हो गया, फटाफट जाना यहाँ से भी। भाई साहब अब ये कहाँ से आ गया यार, फिर से आगे निकल गया, बस ये इकलौता है अभी, इसकी तो मैं इसको जीतने नहीं दे सकता गाइस, वरना हमारा 1,05,000 का नुकसान हो जाएगा। चलो चलो कोई नहीं हम लोग आगे निकल गए, बस कैसे भी करके जीतना है, फिनिश लाइन आ गई है। कोई ना निकले अपने से आगे, बस थोड़ा सा बाकी है, कर लेंगे। और ये हो गया, और उसी के साथ मैं जीत गया हूँ वो सबमरीन। अब जल्दी से जाते अपने इनाम की तरफ, ये रहा वो। भाई साहब यार गाइस बहुत खुशी हो रही है, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ता हूँ। वाह 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 तुम तो जीत गए, तुम्हारी शक्ल देख के लगा नहीं था मुझे कि तुम जीतोगे। ओ भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे तो मुझे लगा था तुम्हारे पास जेट स्की भी नहीं होगी, वो भी थी, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। छोड़ो गाइस इस पे ध्यान नहीं देते। ये रहा अपना इनाम, एकदम नई, कितनी प्यारी लग रही है ये, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। थोड़ी तो राइड लेनी पड़ेगी ना, वरना पता कैसे चलेगा इन लोग ने चूना नहीं लगाया, पता चला ये नकली हुई तो। जल्दी से गाइस का ढक्कन खोल के जाते हैं अंदर, और ये हम लोग बैठ गए, ये अलग ही एक्सपीरियंस है। पर ये चालू कहाँ से होती है? हो गई। ओ भाई साहब गाइस ये तो सीधा आगे ही सरक गई, हम लोग पानी के अंदर है और मेरा दम भी नहीं घुट रहा है, वरना हम लोग तैरते तो थोड़ी सांस फूलने लगती है ना, अब इससे थोड़ी देर मजे लेते हैं। गाइस यार मछलियां देखते हैं। अबे यार ये कैसी मछली है, लग तो शार्क रही है पर आगे से थोड़ी अलग है। क्या आप लोगों को पता है ये कौन से प्रजाति की मछली है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहाँ तो बहुत सारी है भाई ऐसी। ओहो नीचे भी फूल पत्तियां खिली हुई है गाइस, ऊपर तो हम सब लोग तोड़ देते हैं, यहाँ पर सही सलामत है। थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं या फिर अभी बाहर निकल जाते हैं। हम लोग कब से घर से निकले हैं, शिनचान और चौप भी टेंशन में होंगे कि मैं कहाँ पर चला गया, और मुझे तो मेरा फोन भी नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कहीं पर घुमा दिया। लगता है पैराग्लाइडिंग करते टाइम मैंने हवा से गिर गया होगा, अपने को बहुत काम है भाई। तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं, अब मुझे वापस से किनारा ढूंढना है। चलो फाइनली किनारा मिला गाइस, और ये जगह तो मैंने देखी है, मैं जानता हूँ ये जगह कहाँ पर है, अब मैं घर पर जा सकता हूँ। तो पहले तो इस सबमरीन को यहाँ पर रुकाना होगा, चलो अब उतरते फटाफट। आज भाई साहब चलो गाइस फाइनली पहुंच गए, आज तो पूरा दिन पानी हो गए अपन। एक मिनट यार अभी यहाँ पर कौन रो रहा है, इतना बड़ा आदमी रो रहा है वो भी बच्चों की तरह, चलो जाके पूछ ही लेते क्या हुआ। अरे अंकल ऐसे रो क्यों रहे हो, शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो अपने हाल पर। अरे पर हुआ क्या जरा बता तो दो, क्या पता मैं मदद कर सकूं, क्या बोलते हो? अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं पहले बहुत अमीर हुआ करता था, फिर कुछ गुंडों ने आके मुझे पूरी तरीके से लूट लिया और मेरा सारा पैसा लेके चले गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलो ठीक है रोने की कोई बात नहीं है, मैं आपको थोड़े पैसे दे दूंगा, फिर आप आगे उसका क्या करना है देख लेना।
अच्छा ठीक है, मैं फ्री में तो नहीं ले सकता, तुम एक काम करो मेरी बोट ले लो, ये रही यही पर है। अच्छा ठीक है चलो ये भी चलेगा। तो गाइस यार जाके इस बोट को देखते जरा, ये बोट तो बहुत अच्छी है, वैसे काफी सस्ते में मिल गई। चलो जब ले ही लिया है तो इसकी भी राइड कर ही लेते हैं, आज पूरा दिन राइड में जाएगा अपना। वैसे चल तो एकदम मक्खन जैसी रही है, मजा आ गया वैसे ये चलाने का, एकदम ऐसे खुली खुली हवा लग रही है। पर इस बार ज्यादा आगे नहीं जाएंगे वरना हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग आए कहां से थे, और पानी में कुछ पता ही नहीं चलता डायरेक्शन का, चारों बाजू बस एक जैसा ही दिखता है। चलो यहां से टर्न ले लेते हैं। एक मिनट गाइस, यहां से मुझे एक बोट दिखाई दे रही है, मतलब एक छोटी सी शिप टाइप की है, और जरा देखो तो सही गाइस, यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि वो लोग निगरानी रख रहे हैं। पक्का वहां कुछ तो गड़बड़ है, जाके चेक करते भाई कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। पानी में जाके कूदते हैं। ओह अब यहां से नीचे से होके जाएंगे गाइस अपन, ताकि वो लोग मुझे देखे ना। जल्दी जल्दी जाते हैं। चलो हम लोग नजदीक तो पहुंच गए। अबे यार वहां ऊपर एक आदमी खड़ा है, बस वो अपने को देखे नहीं, कैसे भी करके जाना है यहां से। पहुंच गए। चलो फाइनली ऊपर चढ़ गए हम लोग। गाइस यार इनके हाथ में तो गन है, इनको तो निपटाना पड़ेगा। ये गया, वैसे जरूरी भी था, अगर इसको पता चल जाता तो सबको पता चल जाता। थोड़ा संभल कर काम लेना पड़ता है। मैं भूल गया कि मैं गन चलाऊंगा तो गोली की आवाज आएगी। कोई नहीं, इनको भी निपटा देते। ये गया पहला, अब बस एक बाकी है, शायद ये भी गया। चलो भाई साहब यहाँ पर तो रास्ता क्लियर है गाइस, मुझे नहीं लगता अब कोई बचा होगा। अबे है यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया था। अबे क्या करंट लग रहा है क्या इसको, बाद में वापस खड़ा हो जाता है। इसकी तो मैं मर, बेचारे की टांग गई। चलो गाइज ऊपर जाके चेक करते आखिर में यहाँ पर है क्या, जाके चेक करते हैं। ओ भाई साहब इन्होंने तो किसी को किडनैप करके रखा है, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा। चलो अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पर आ गए। अरे दीदी आप अभी सेफ हो, आप खड़ी हो सकती हो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली, ये गुंडे तो आज मुझे मार ही देते थे। वैसे आप हो कौन? मेरे पापा बहुत अमीर आदमी है, इन्होंने मुझे किडनैप किया ताकि उनसे फिरौती मांग सके। ओ अभी मैं समझा, चलो आ जाओ मेरे पीछे, आपको यहाँ से निकालना होगा। तो गाइज जल्दी जल्दी जाते हैं अपनी बोट की तरफ। अबे बोट कहाँ गई? अबे यार मेरा दिमाग घात चढ़ने गया है, वो एक बोट है, मैंने उसको किसी से बांध के भी नहीं रखा था, वो तो फ्लोट होते होते कहाँ पर निकल गई होगी पता भी नहीं। अभी हम लोग कैसे जाएंगे? हाँ तो दीदी हम लोग फंस चुके हैं, अब हम दोनों को हेल्प की जरूरत है। तो हम लोग क्या करें गाइस? यार क्या करेंगे, मदद के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। अरे एक मिनट, मैं दिमाग से पैदल हो गया हूँ क्या? ये चीज भी तो पानी पे चलती है, ये शिप हमारे काम आएगी। चलो चलो इसी को लेके निकलते हैं। गाइस यार कभी कभी है ना मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, इसका तो आगे का कांच भी टूटा हुआ है, बहुत ही ज्यादा खटारा चीज है ये। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चल रही है, इससे ज्यादा तो इसकी हालत के हिसाब से कुछ होना भी नहीं चाहिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा स्लो जा रहे हैं, यहाँ मुझे लग रहा है कि स्पीड स्लो हो रही है। गाइस यार पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए स्पीड। ओ नहीं मेरा अंदाजा एकदम सही था, यहाँ पर एक गड़बड़ है गाइस, इसका तो पेट्रोल ही खत्म हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अटक गए बीच में। अबे यार फालतू ही खुश हुआ था मैं। हाँ तो दीदी हम लोग फिर से अटक गए और अभी वापस हम दोनों को मदद की जरूरत है। तुम मुझे बचाने आए थे ना? हाँ आया तो आपको बचा नहीं था, पर मुझे थोड़ी ना पता था ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये आसपास कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके। अच्छा ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। गाइस गाइस दीदी ने एकदम सही बोला था, वहाँ सामने मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है। दीदी यार आ जाओ तैर के, ये तो चलने से रही और यहाँ से अपनी आवाज वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तो जाना तो तैर के ही पड़ेगा। गाइस अपने हाथ फटाफट घुमाते हैं। चलो 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 बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं हम लोग, और ये हम लोग चढ़ गए ऊपर फाइनली। गाइस यार आज तो मैं पानी देख देख के थक गया हूँ। अरे रुको रुको मेरे लिए भी, मैं भी आ रही हूँ। अरे यार आओ ना जल्दी जल्दी। ये लो मैं आ गई, और चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कहाँ पर जा रहे हो छोड़ के? अरे यार कहीं नहीं जा रहा छोड़ के, कहाँ जाऊंगा समुद्र में, आओगी पीछे। गाइस यार भलाई का जमाना नहीं है, अब इस बोट के मालिक को ढूंढते हैं और उसको बोलते घर तक पहुँचा दे। ओहो ये क्या आवाज आ रही है, यहाँ तो पार्टी चल रही है गाइस। एक मिनट माइकल तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये पार्टी की चीज की है? अरे अरे फ्रैंकलिन तुम भूल गए हो, तुम्हारा भाई बहुत अमीर है, ये मेरी ही बोट है और ये पार्टी भी मैंने ही रखी है, तुम भी आ जाओ नाचो नाचो। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम्हें बता के कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, तुम बस इस पार्टी के बाद हमें घर पर पहुँचा देना, इस दीदी को मुझे कहीं पर ड्रॉप करना है और वो भी जल्दी। तो गाइस ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम लोग घर पर नहीं पहुँच जाते। आप वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।